हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरवी। तो आज की वीडियो है मेरी JBL का RC कन्वर्टर है। ये जो नॉर्मल कन्वर्टर से थोड़ा अलग है क्योंकि इसको भी एम्पलीफायर की तरह आपको पावर देनी पड़ती है, 12 वोल्ट का देना पड़ता है। प्लस जो बेसिकली जो दूसरे कन्वर्टर आते हैं उसके अंदर टू चैनल कन्वर्टर होते हैं जिसके अंदर दो ही RC आउटपुट्स होती हैं। इसके अंदर ये फोर चैनल कन्वर्टर है जिसके अंदर एम्पलीफायर की तरह ही आपको चार RC आउटपुट मिलेंगे। ये मैं लगाऊंगा अपने फैक्ट्री फिटेड स्टीरियो के अंदर। ये बेसिकली उन्हीं चीज के लिए ही होता है जो फैक्ट्री फिटेड हमारे स्टीरियो होते हैं, उसके अंदर RC ऐसे कन्वर्टर नहीं होते, ऐसे इनपुट्स नहीं होते जिसकी वजह से हमें एम्प चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं इसके बारे में ही इसका थोड़ा रिव्यू दूंगा। JBL का है, मार्केट में बोल तो रहे कि ओरिजिनल है, लेकिन यार जिस हिसाब से जो रेट है मुझे नहीं लगता कि ओरिजिनल होगा या नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट में दिया है, ओरिजिनल बोल के दिया है। तो इसकी क्लियरिटी कैसी रहेगी, साउंड क्वालिटी कैसी रही। कन्वर्टर के अंदर आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं अपने, राइट लेफ्ट वगैरह ये लिखा हुआ है इसके अंदर कि आप अपने गेन वगैरह बढ़ा सकते हो स्पीकर्स के अंदर। तो आज इसके बारे में ही देखेंगे, इसको मैं पूरा फिट करके दिखाऊंगा, आप अपने आप से भी फिट कर सकते हो, बहुत ईजी है, कोई वो नहीं है। तो अब तक मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और उसके लगे अगले आगे सॉरी दोबारा बोलता हूँ, उसके लगे आगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज आपको यूं ही मिलती रहे। चलते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा JBL का RCA कन्वर्टर है। तो थोड़ा इसका मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो इसके अंदर आप जैसे देख रहे हो फ्रंट एंड रियर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो ये हमारा स्पीकर्स को कंट्रोल करने के लिए, उसका गेन वगैरह बढ़ाने के लिए है। प्लस लेफ्ट एंड साइड में देखेंगे तो हमें कोडिंग दे रखी है, वाइट वाइट ग्रे BL ग्रे ब्लैक रेड ब्लू ग्रीन वॉयलेट, ये ऐसे ऐसे इसका सारा सब कुछ दे रखा है। तो इसको भी एम्पलीफायर की तरह ही आपने लगाना है। जैसे ये ब्लैक वाली है हमारी जो ग्राउंड में जाएगी, जैसे गाड़ी की जो चेसिस वगैरह होती है उसके अंदर लगेगी। रेड वाली है जो डायरेक्ट हमारा बैटरी में से आएगी, और ब्लू वाली जो है हमारी, जैसे ये देखो तीन वायर है हमारी, ब्लैक रेड और ब्लू। तो ब्लैक वाली तो हमारी आएगी हमारी ग्राउंड में से, जो ग्राउंड जो चेसिस का जो होता है लोहे का टच होते हुए आएगी। रेड वाली आएगी हमारी बैटरी में से, जो डायरेक्ट बैटरी में वायर आती है जैसे हम एम्पलीफायर को जोड़ते हैं वैसे ये लगेगा। प्लस ब्लू वाला आएगा हमारे गाड़ी के सिस्टम में से, रिमोट वायर में से। तो दोस्तों, ये थोड़ा ब्रीफिंग था, फिर अब मैं इसको पूरे कनेक्शन करके दिखाता हूँ कैसे लगाना है। प्लस ये स्पीकर्स वायर दे रखी हैं। तो दोस्तों, तो मैं बाकी ये जो चार जो स्पीकर वायर हैं, जैसे ये हमारी ये हमारी ये ब्लू कलर की और ये वाली है, इसको मैं स्पीकर्स में लगाऊंगा। प्लस ये हमारी व्हाइट और ग्रे वाली है, इनमें से कोई सी भी मैं सबवूफर के लिए यूज़ करूंगा। तो दोस्तों, धीरे धीरे देखते रहें, बाय स्टेप मैं पूरा बताता हूँ कैसे करना है। बहुत सिंपल है। ऑलरेडी अगर किसी की गाड़ी में पहले से ही RC कन्वर्टर लगा हुआ, अगर वो फोर चैनल कन्वर्टर लगवाना चाहता है तो वो ये JBL का ले सकता है। देखते हैं साउंड कैसा आता है। तो आप पूरा बताता हूँ मैं इसके अंदर आपको कैसे करना है। कनेक्शन के लिए सबसे पहले मैं ग्राउंड, ये हमारी जो ग्राउंड वायर है, इसको मैं चेसी के साथ लूँगा। चाहे तो मैं इसको सीधा एम्पलीफायर का जो ग्राउंड आ रहा है उसके अंदर लगाऊंगा। प्लस जो मेरी रेड वायर है और जो रिमोट वायर है, इसको मैं वैसे तो अगर मैं डायरेक्ट डालता हूँ तो मैं 35 एम्पियर इसको दे रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता इसको मैं 35 एम्पियर दूँगा बैटरी से। मैं सीधा मैं ये करूँगा कि मैं रेड वाली जो मेरी रिमोट वायर है, जैसे आप देख रहे हो ये रेड एंड ब्लू वाली, तो इसको मैं जोड़ के जो मेरे एम्पलीफायर का जो रिमोट ऑप्शन है REM है, इसमें जोड़ूंगा। इसकी वजह है क्योंकि इसको मैं 12 एम्पियर 10 एम्पियर के बीच में रखना चाहता हूँ, मैं पूरा एम्पियर इसको नहीं देना चाहता। इस वजह से मैं इसकी रेड वाली और रिमोट वायर को जोड़ के सिर्फ एम्पलीफायर के REM में जोड़ूंगा। प्लस जो मेरा ग्राउंड वायर है जो ब्लैक वाला है, वो मैं एम्पलीफायर के ग्राउंड में जोड़ दूंगा, ये वाला ग्राउंड वाला है। तो मैं कनेक्शन करके फिर दिखाता हूँ पूरा आपको। कनेक्शन के लिए मैंने फ्रंट का लिया है। मैंने पिछले थोड़ा वीडियो में पहले बोला था कि फ्रंट का मैं उसको उस पर ले रहा हूँ, लेकिन मैं फ्रंट पे जो मेरे इधर का फ्रंट है उसको मैंने सबवूफर पे जोड़ा है, कनेक्शन कर दिया। प्लस माइनस का प्रॉपर अच्छे से ध्यान रखा है, तो आपको भी प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान रखना है। अब बस सर स्पीकर्स के लिए, मैंने ये दो वायरें हैं जिसके अंदर मैं लेफ्ट हैंड के लिए ये वाला ले लूँगा, राइट हैंड के लिए आप अपने मूड के हिसाब से, मतलब अपनी गाड़ी की सेटिंग के हिसाब से अपने आप ले लेना। तो जो मेरे लेफ्ट डोर हैं, जो लेफ्ट हैंड के डोर हैं, वो इस पे चलेंगे, और जो मेरे राइट हैंड के डोर हैं इस पे चलेंगे। तो मैं स्पीकर्स की वायरिंग कर देता हूँ। जो स्पीकर्स की वायरिंग है वो मेरे सिस्टम में से आ रही, सिस्टम के जो कपलर्स होते हैं उसके अंदर भी हमारे स्पीकर्स की वायर जा रही होती है, वो भी कलर कोडिंग, यही कलर कोडिंग होती है, वाइट ग्रे वायलेट और ग्रीन, ऐसे ही उसकी भी कलर कोडिंग होती है। तो सेम आपको
जैसे आप खुद लगाते हो तो आप जब डैशबोर्ड खोलोगे, जब अपने सिस्टम का ये आगे का पैनल खोलोगे तो आप उस दर देखना कि एक जैक आ रहा है। जैक के अंदर ही आपको थोड़ा सा वायर छील के या कोई भी कपलर लगा के आपको उसमें वायरिंग अटैच करनी है। मैं वायरिंग दिखा देता हूँ, मैं जो मैंने बनाई है। तो स्पीकर्स वायर पूरी मैंने एम्पलीफायर के अंदर लगा दी है। लेफ्ट का लेफ्ट में ही रखा, राइट का राइट में ही रखा है। प्लस इसका प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखा है। कोडिंग वगैरह मैंने पूरी प्रॉपर कर दी थी, मुझे पता है कि कौन सा मेरा प्लस की वायर थी और कौन सी माइनस की वायर थी। अब बात आती है इसकी HPF सेटिंग करनी है, कैसे करना है। उसके लिए मैं साउंड चलाता हूँ, फिर उसको आपको पूरा गेनिंग वगैरह पूरा अच्छे से बताता हूँ। सो दोस्तों पूरी सेटिंग कर दी है मैं, आप थोड़ी सी एक समरी दे देता हूँ उसके बारे में, पूरा एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ क्या क्या किया मैंने। ये मेरा RC कन्वर्टर है JBL का, इसके अंदर कोडिंग दे रखी है कि हमारे के स्पीकर्स की वायर कैसे करनी है, हमारी कौन कौन सी है और सब वूफर की वायर कौन कौन सी है, इस पर सब कुछ लिखा हुआ है। ये वाइट वाली, ग्रे वाली, ब्लैक, वॉयलेट, ग्रीन, और एम्पलीफायर की तरह ही इसके अंदर हमारा ब्लैक वायर है ग्राउंड का, रेड वायर है हमारा बैटरी से जो डायरेक्ट आता है ब्लू से। पर इसके अंदर मैंने बैटरी से डायरेक्ट वायर नहीं दी है इसको पूरी डेप, क्योंकि मेरा बैटरी है 35 एम्पेयर की और ये है 10-15 एम्पेयर का है। तो मैंने रिमोट वायर और जो रेड वाली वायर है इसकी, उसको ज्वाइन करके अपने एम्पलीफायर के रिमोट वायर में डाल दिया, इस वाले में। ठीक है, तो इससे मेरा ये चल रहा है, देखो चल रहा है ना, ऑन है। और ग्राउंड वायर प्रॉपर वही ग्राउंड में से दिए, जो चेसी के बोल्ट वगैरह कोई भी लोहा वगैरह हो तो उसमें से आता है। और बैटरी वायर का नहीं दिया, बैटरी वायर के लिए मैंने रिमोट की वायर कर दी। अब आती है स्पीकर्स की वायर। स्पीकर्स के लिए मैंने दो जो मेरे रियर के जो स्पीकर्स है उसको मैंने सब वूफर के लिए चूज़ किया है, और जो मेरे फ्रंट के हैं उसको मैंने अपने चारों डोर के लिए करा है, जो रेड लेफ्ट एंड राइट के लिए है। इस वाले एम्पलीफायर पे मैं सबवूफर चलाऊंगा मैं अपना, सिर्फ मैंने 4 चैनल को एम्पलीफायर उसके लिए सबवूफर के लिए रख दिया है मेरा, और DVC पाइनर का 311 D4 चलाऊंगा मैं। और मेरे ये 2 चैनल का एम्पलीफायर है इसको मैंने JBL के स्पीकर्स, जो मेरे कंपोनेंट स्पीकर्स हैं उसके लिए रख दिया, कंपोनेंट सॉरी कोएक्सल स्पीकर्स हैं, 2-way स्पीकर है उसके लिए रखा है। अब RCA जो है इसके मैंने 2 RCA केबल लिए है अपने इसके वाले एम्पलीफायर के लिए, और 2 RCA केबल लिए है इस वाले एम्पलीफायर के लिए जो मेरा सबवूफर चलाएगा और ये वाला एम्पलीफायर स्पीकर चलाएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा समरी था। अब इसके बाद मैं साउंड सिस्टम साउंड बताता हूँ कैसा चलता है, प्लस आपको HPF और LPF की सेटिंग बताऊँगा स्पीकर्स के लिए कैसे चलना है। छोटा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको 2 चैनल एम्पलीफायर को कैसे HPF और इसका गेन और LPF कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर गेन दे रखा है, फिर है हमारा HPF, क्रॉसओवर के अंदर हमारा एक्सओवर के अंदर हमारा HPF है, फुल है और LPF है। फिर आती है LPF की सेटिंग आती है, फिर आता है हमारा बेस बूट्स के अंदर हमारा 0 dB, 6 dB एंड 12 dB है। तो इसको सबका सारा सेटिंग कैसे करना है मैं इसको बताता हूँ। साउंड को मैं ऑन करता हूँ, जो नॉन कॉपीराइट सॉन्ग है ऐसा कोई सॉन्ग मैं करता हूँ, फिर आपको धीरे धीरे इसके सारे पूरे फीचर्स मैं बता देता हूँ। गाना लगा दिया NCS का, मैं सेटिंग बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारी ये ऑप्शन है HPF फुल और LPF, अब मैं इसको LPF पे कर दूंगा तो सिर्फ मेरे स्पीकर्स में बेस बजेगा, वोकल गया सिर्फ बेस बजेगा, जब बेस आएगा जब साउंड आएगा बेस का। फुल पे कर दूंगा तो ये दोनों बजेंगे मेरे, लेकिन पूरी गेन देगा अपनी तरफ से अगर मैं फुल पे कर देता हूँ, लेकिन मेरे को फुल पे नहीं रखना, इसको HPF पे रखना है। HPF के बाद मेरे को मेरा जो गेनिंग पावर है उसको बढ़ाना है हमने स्पीकर की आउटपुट के हिसाब से। HPF को मेरे को इसका हर्ट्ज बढ़ाना है, can you be my or cutie?
ये वीडियो था मेरा आपका JBL का, जो मैंने RCA कन्वर्टर लिया है, बेस्ट, बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गाड़ी के अंदर जो सू सू की आवाज़ आती थी वो भी मेरी ख़त्म हो गई है इसको लगाने से, प्लस क्वालिटी के अंदर और ज़्यादा इन्हेंस हो गया। पहले 2 चैनल कन्वर्टर लगा हुआ था, इतना मज़ा नहीं आया मेरे को उसके अंदर, जो इसको लगवाने के बाद बहुत बढ़िया लगा। प्लस मैंने आपको 2 चैनल एम्पलीफायर में HPF की सेटिंग भी बताई धीरे धीरे, थोड़ा कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो आपको बताया। अपने स्पीकर्स की और एम्पलीफायर के RMS के हिसाब से गेनिंग आपको बढ़ानी है। मैं हर वीडियो में अपनी ज़्यादातर, मैंने एक व्यूअर्स ने कमेंट भी किया था कि गेनिंग के आप गलत कर रहे हो, वो कर रहे हो, थैंक और उसके लिए भी थैंक यू है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये आपको ब्रीफ कर पाया कि हर एक एम्पलीफायर में गेनिंग और हर एक स्पीकर की गेनिंग अलग अलग होती है। उसके अंदर मैं गेनिंग पूरी फुल कर रखी थी जब जाके मेरे स्पीकर्स की कंपोनेंट्स स्पीकर्स के अंदर आवाज़ आउटपुट अच्छी आ रही थी। इसके अंदर मेरे को ये मेरा जो 2 चैनल का एम्पलीफायर है इसके अंदर आउटपुट RMS ज़्यादा है, तो मेरे को गेनिंग हाफ करनी पड़ी। फिर मैंने उसके बाद HPF को आगे बढ़ाया तो उसके सबवूफर और स्पीकर्स के सबवूफर और उसके HPS के हिसाब से मैंने सेटिंग करी है। तो दोस्तों ये था कमेंट, आप बिल्कुल बेहिचक कर सकते हो, क्या पता कोई चीज़ आप कमेंट करो मुझे ना पता हो, शायद मेरे को भी सीखने को मिले। तो कमेंट जरूर करके बताएं कैसा लगा वीडियो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो या मेरे को कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछोगे मैं प्रॉपर जवाब दूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक जरूर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज आपको यूं ही मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव।